करा दे। बाकी सर बूटा सिंह जी आप गए थे, पूरा नाम बता दीजिए के लिए, पूरा नाम बताइए बूटा सिंह जी की क्या बातचीत हुई सरकार के नुमाइंदे से, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या मसला? देखो पंजाब भवन में गए थे, ऐसी पंजाब भवन में फोन पर गाल हुई अमित शाह के लिए। अमित शाह ने बताया कि बूटा सिंह तुम गलबात करने लिए तैयार हो, तो हमने बताया कि कंडीशन ना लाओ, शर्त ना लाओ, हम बात लिए तैयार हैं। फिर उनके बताया कि कौन कौन सी जत्थेबंदी होगी, तो उनको असी बताया कि पंजाब की सारिया जत्थेबंदी होगी, 32 जत्थेबंदी पंजाब की, तो 4 जत्थेबंदी है जी ऑल इंडिया कोआर्डीनेशन कमेटी के साथ है, 37 नुमाइंदों पर गलबात होगी, अमित शाह खुद हो गए, 37 संगठनों के नुमाइंदे हो गए, उन्होंने बैठ के बातचीत होगी। देखो ये जो टेबल टाक से जाएंगे ना उदो पता लगेगा, सानू उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि पहला हुण तक जो सरकार कंडीशन तहत गल करती सी, जब असी पंजाब में अंदोलन करते सी मालगड्डी और पैसेंजर गड्डी बंद सी, असी मालगड्डियों को छूट देती सी, पर भारत सरकार ने कंडीशन लाई कि बातचीत कर जा रहे हैं असी, पर पहले पैसेंजर गड्डी चलाओ। सरकार ने आज आपका पांचवा दिन है, सरकार ने 3-4 बार लगातार आप लोगों को ऑफर दिया कि गुराड़ी पर बैठ जाइए, बातचीत हो जाइए, गृह मंत्री खुद इस बात को बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई नुमाइंदा बातचीत के लिए नहीं जा रहा, उसकी क्या वजह, क्योंकि 3 दिसंबर को भी बातचीत करा सकते।